बढ़िया मैच चल रहा था, ऑस्टिन थ्योरी और मैट कैप मॉस का जबरदस्त ऑफेंस हो रहे थे, एड ब्रेक तक भी किया था, बढ़िया एड ब्रेक का फिनिश हुआ था। उसके बाद जब भी बढ़िया मैच चलता है WWE में तो समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, और ऐसा ही हुआ। दोनों के दोनों में से किसी को भी क्लीन नहीं जिताया WWE ने, ऑस्टिन थ्योरी को भी ना, मैट कैप मॉस को भी। एंडिंग सीक्वेंस में ऑस्टिन थ्योरी मनी इन द बैंक लेते हैं और मार देते हैं और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मैट कैप मॉस जीत जाते हैं डिस्क्वालिफिकेशन से, पर ऑस्टिन थ्योरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी उसके बाद प्रोमो कट करते हैं जिसमें वो कहते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो समर स्लैम में कैश इन करने वाले और जीत जाएंगे। तो इस बात बारे में इंटरप्ट करते हैं रिप्रेजेंटेड ऑफ ब्लड लाइन सैमी ज़ेन, और सैमी ज़ेन की बेइज्जती करते हैं ऑस्टिन थ्योरी। तो इस बेइज्जती को सुन के सैमी ज़ेन कहते हैं कि वो एक हाथ से भी मार सकते हैं, पर ऑस्टिन थ्योरी को ऐसा नहीं लगता। उसके बाद उनको पेलने के लिए आते हैं जिमी और जे उसोस, और इस बार को देख के ऑस्टिन थ्योरी भाग जाते हैं दुम दुबा के। उसके बाद मैट कैप मॉस से नहीं भाग पाते क्योंकि मैट कैप मॉस इंतजार कर रहे होते हैं रिवेंज लेने के लिए। मैट कैप मॉस उन्हें रिंग पोस्ट पे मार के देते हैं और उसके बाद उन्हें भगा देते हैं मनी इन द बैंक के साथ।